मैं अपने कमर दर्द से अगले 10 सालों से बहुत परेशान था, तो कुछ आदमियों ने मुझे बताया सर्वोदय हॉस्पिटल के बारे में, आशीष तोमर के डॉक्टर के बारे में, कि वो ठीक कर देंगे। तो मैं अपना उल्टा सीधा पैसा करके आया, किराया भाड़ा अपने आया, फिर उनको दिखाया, उन्होंने MRI करवाया, मेरा एक्सरा करवाया और बाकी और बुध की रिपोर्ट की है मेरी, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि ऑपरेशन करवा लीजिए। मैंने ऑपरेशन करवाया तो महसूस हो रहा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, अब उतना दर्द नहीं है मुझ में, मैं थोड़ा चल भी लेता हूँ। अब मैं धन्यवाद देता हूँ आशीष तोमर को और उनकी जो टीम है, सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे पास आए थे सीवियर पेन इन बैक और दोनों पैरों में इनके बहुत दर्द जा रहा था, ज़्यादा इनसे चला फिरा नहीं जा रहा था और इनके दोनों पैरों में फुट ड्रॉप था, जिसमें जो पैर की नस है वो काम करना उसने बंद कर दिया था। तो इनका हमने एक्सरे और MRI कराया, जिसके अंदर हमें पता चला कि इनको डिजेनरेटिव स्कोलियोसिस विद लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, जिसका मतलब है कि इनके रीढ़ की हड्डी में थोड़ा टेढ़ापन था उम्र की वजह से, और साथ में इनकी नसें जो है पैर की वो 3-4 जगह पे दब रही थी, L3 से लेके S1 तक दब रही थी। तो इसको ठीक करने के लिए जो हमने उपाय किया या हमने सोचा, उसमें हमने दूरबीन से एक सर्जरी करी जिसको ओब्लिक लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन या ओलिफ बोलते हैं। उस सर्जरी से हमने इनके 3 लेवल को एड्रेस किया, जिसमें L3 से लेके S1 तक हमने इनका ओलिफ किया, और साथ में फर्स्ट स्टेज में हमने ये किया। उसके बाद सेकेंड स्टेज में हमने इनकी पीछे से सर्जरी करी, जिसमें हमने स्मॉल इंसिजन से परक्यूटेनियस स्क्रूज डाले, जिससे कि इनको हमने नस को भी फ्री किया और इनका जो टेढ़ापन था उसको भी ठीक किया। और ओलिफ L5-S1 में बहुत चैलेंजिंग सर्जरी है। इसके अंदर चैलेंज ये है कि वहाँ पे दोनों वेसल्स, जो भी हमारी एब्डोमिनल आयोटा या ग्रेट वेसल है, वो बाइफर्केट हो जाती है L3-L4 के लेवल पे, और नीचे जाके जो जब बाइफर्केट होती है तो ये सर्जरी दोनों वेसल्स को साइड में रिट्रैक्ट करके, स्पेशल रिट्रैक्टर सिस्टम आता है उसको लगा के, यूरेटर और भी वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें बचा के इस सर्जरी को किया जाता है। इस सर्जरी के लिए वैस्कुलर सर्जन का बहुत ही रोल है, उनके बिना ये सर्जरी करना बहुत मुश्किल है, तो इट इज़ अ टीम वर्क। बेसिकली ये सर्जरी हमने वैस्कुलर सर्जन के साथ की। रीढ़ की हड्डी में जो स्कोलियोसिस और नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ टीम एफर्ट। इसमें वैस्कुलर सर्जन अलॉन्ग विद ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक टीम होती है जो इस चीज़ को एड्रेस करती है। इसमें हम एब्डोमेन से पास होने वाली ग्रेट वेसल्स या महाधमनी को कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेपरेट करके रीढ़ की हड्डी पे एक्सेस देते हैं, और उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन जो नर्व कंप्रेशन या नस के दबने की बीमारी होती है उससे उसको रिलीज करते हैं। ये एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है जो कि प्रीवियस कन्वेंशनल सर्जरी से बहुत बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस, अर्ली रिकवरी, एंड वी फर्दर प्लान दैट पेशेंट फॉर अर्ली डिस्चार्ज। और ओलिफ L5-S1 जो है सर्जरी, बेसिकली ये अभी नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम इस सर्जरी को किया गया है, एंड वी आर हैप्पी कि हम ये सर्जरी कर पाए। इसके बाद पेशेंट का फुट ड्रॉप रिकवर करना शुरू कर गया, उनकी नसों की ताकत वापस आई, चलना फिरना हमने उनको नेक्स्ट डे से स्टार्ट करा दिया, और अगले दो से तीन दिन के बाद वी वर एबल टू डिस्चार्ज। पेशेंट इनसे बहुत खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी, डूइंग वेरी वेल। Thank you so much.